इंडिया गठबंधन के चुनाव की रैली में उपस्थित हमारे और इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आलोक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल जी, पार्टी के हमारे महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद जी, समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायक रूमी जी, सतीश निगम जी से लेकर के अविनाश पांडे जी से लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, संगठन के लोग और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। जहां हमारा पंडाल भरा है, वहीं जहां पंडाल के बाहर छाया नहीं है, उसके बावजूद भी हमें दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। यही इंटर कॉलेज के मैदान से ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है, बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, वो कोई भी वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। आज हम और आप चौथे चरण के चुनाव में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। ये चौथा चरण बीच का चरण है, इससे पहले 3 हो चुके हैं, चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा। और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। ये लोग जो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न उन्हें खाद मिली, खाद मिली तो बोरी से चोरी हो गई। और बहुत सारे साथी ये जानते होंगे, जिस तरीके से दबाव बना करके, ताली थाली बजा करके और हमारे लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दिया,
उसी तरीके से इन्होंने हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, जिस नैनो यूरिया का कोई लाभ नहीं हुआ। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई उस वैक्सीन को वापस कैसे लोगे? कैसे वापस होगी वैक्सीन? और जो लोग वैक्सीन लगवा करके सर्टिफिकेट रखे होंगे अपने घर पर, वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो बड़े मायूस हो जाते होंगे। जिनके पास भी सर्टिफिकेट होगा, बताओ ये उन्हें वो वोट देने जा रहे हैं इनको कि नहीं जा रहे हैं? न केवल ये हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए थे, संविधान के भी पीछे पड़े हुए हैं। न केवल हमारी जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि संविधान के पीछे भी पड़े हैं। और जो लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, इनके होर्डिंग आपने देखे होंगे, डबल इंजन वालों के ही सरकार का होर्डिंग से एक इंजन गायब है। और जो यहां का खटारा इंजन है और इनका भी जो लड़ रहा है खटारा इंजन, वो पहले से ही गायब है। और जब वोट पड़ेगा तो जो अकेला इंजन दिखाई दे रहा है होर्डिंग पर, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। बंटवारे में झगड़ा हुआ, कभी कभी बंटवारे में झगड़ा होने से नाराजगी हो जाती है। कुछ लोगों के हो सकता है बंटवारे में, एक दूसरे के बंटवारे में सही बंटवारा ना हुआ हो, इसीलिए नाराजगी दिखाई दे रही है। और अब तो वो अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे हैं। जो लोग अपने को, अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे होंगे, तो सोचो जब 7 चरणों का चुनाव खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा। और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, 7वें चरण तक इनका सफाया होना तय है। ये जो नौजवान हमारा बिना नौकरी बिना रोजगार के, इसका भविष्य अंधकार में है। कमाल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस सरकार का हर पेपर लीक हो जा रहा है। ये नौजवान जो परीक्षा देने गए होंगे, वो जानते होंगे जब परीक्षा दी घर लौटे तो उनका पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहां तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था, इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया। न केवल कम कर दिया, बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये हमारा कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा, जहां के उद्योगपतियों ने, उद्योग चलाने वालों ने, कारोबार करने वालों ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक कानपुर की पहचान बनाई। जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो सरकार ने मदद नहीं की, चाहे वो एमएसबी हो, चाहे बड़े उद्योग कारखाने हो, उनके साथ भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक समय था यहां पर मिलें चला करती थी, मिलें चल करके न जाने कितने लोगों का रोजगार और नौकरी और घर चलता था।
लेकिन इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। न केवल मिलों को भी नहीं शुरू किया, सुनने में आ रहा है कि ये लोग लेबर कॉलोनियों को भी हड़पना चाहते हैं। लेबर कॉलोनियों को हड़प करके न जाने कौन सी नई चीज बनाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कभी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यही कानपुर के लोग जानते होंगे, आज जो बिजली आ रही है वो समाजवादियों की देन है। ये जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, चाहे वो पनकी का हो, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय यहीं के सांसद मंत्री थे, वो चाहते थे कि एक बिजली का कारखाना लग जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, हम लोगों ने पूरी सहमति दे करके मदद करने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि नेवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना बन करके तैयार हो गया। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। बताओ, जब बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? और इनकी सरकार में लीकेज की के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। ये जो मेट्रो चल रही है, ये समाजवादियों की देन है, समाजवादियों की देन है। इस कानपुर को हम लोग कामपुर बनाना चाहते हैं। काम ज्यादा हो लोगों के पास, कामपुर। कानपुर का तो अपना पहचान है ही है, लेकिन यहाँ के लोगों को काम मिले, कामपुर बन जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम अपनी तरफ से, अपने सभी संगठन के साथियों से और अपनी पार्टी के सभी नेताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से, एक एक साथी से हम निवेदन करने आए हैं। जहां हमारे एक प्रत्याशी राजा रामपाल जी लड़ रहे हैं, दूसरे आलोक मिश्रा जी लड़ रहे हैं, इन दोनों की मदद करना और आज के बाद अपने बूथ पर तैयारी करना है। बताओ, अपने बूथों पर तैयारी करोगे? अगर शासन और प्रशासन रुकावट पैदा करे तो घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? ये कानपुर वाले हैं, इन्हें सब रास्ता पता है, बूथ पर कैसे जाया जाता है। बूथ पर पहुंचोगे अपना वोट डालने? आज के बाद घर घर जाकर के हमारी अपील, हमारा निवेदन करोगे सबसे? ये केवल चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान के साथ साथ जो हमें अधिकार और न्याय मिलता है, वो न्याय और अधिकार को अपने सुरक्षित रखने का भी चुनाव है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर वाले इस बार रिकॉर्ड मतों से आलोक मिश्रा जी को जिताएंगे। जिताओगे आप लोग? कोई गलती तो नहीं करोगे? पीछे तो नहीं रह जाओगे वोट डालने में? इसलिए वोट डालिए, और जो आपका साथ में आसमान में गुस्सा है वो वोट डाल करके उतारने का काम करना। Zee News।